चलने वाला देश का चक्का को चालू रखने वाले हमारे जुझारू मजदूर साथियों, आपका सम्मेलन में, जोधपुर सम्मेलन में पूरा समय रहने का हमारा मौका मिला। हम पहले आपसे आभार प्रकट करना चाहते हूं, आपका सम्मेलन से जो हौसला हमको मिला एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता होने का नाते। हम जब आपको सम्मेलन को संबोधन करने का बाद हम जब जा रहा था, हम अपने बड़े भाई जैसा एमएन प्रसाद जी को बता के गया था जो दादा बड़ा ऊर्जा लेके जा रहा हूं आपको सम्मेलन से। सारे जवान साथियों, देश को चक्का चलाने वाले साथियों, सम्मेलन से बीड़ा उठा रहा है। हम बोलेंगे अपने मांग के बाद, समझाते रहेंगे आपको मांग के बाद, धीरज के साथ इंतजार करेंगे जो आप विचार करोगे हमारे मुद्दे में। लेकिन एक समय जब निकल जाएगा तब समझाने बुझाने का सरक हमारे लिए नहीं रहेगा। कायम जिसको समझा रहे हैं, हकीकत होने के बावजूद भी वो इग्नोर कर रहा है, तो इसको बदतमीजी कहा जाता है। और मजदूर मार्ग जब बदतमीजी को सामना करता है, सिद्धांत लेने वाले का तमीज वापस लेके ही तब रोकते हैं। आज का डेट में हम एक बदतमीजी वातावरण के खिलाफ झेल रहा हूं, ना केवल रेलवे मजदूर, देश के आम मजदूर। हमने भी पिछले जो मांग के अंदर वर्किंग आवर रिलेटेड जो मामला है वो मांग था, जो मांग के अंदर एनपीएस को खत्म करके पुराना पेंशन स्कीम लाने का मांग था, जो मांग के अंदर देश को चलाने वाले जो प्रमुख मजदूर उसको ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका मांग था। ये लेके हम लड़ा, समझा नहीं पाया। हमारे लड़ाई कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई रेलवे मिनिस्टर, कोई अर्थमंत्री इसको खिलाफ नहीं है। हमारे लड़ाई है उसका व्यवस्था के खिलाफ, उसका नीति के खिलाफ, जो ये सारे मांग को जन्म दिया था। और ये लगातार करने का बाद हम समझा नहीं पाया, देश के आम मजदूर 20 करोड़ मजदूर 8 या 9 जनवरी दो दिन के हड़ताल करते हुए ये बदतमीजियों को जवाब दिया, जो ये पहला आवाज है। दूसरे आवाज, तू नहीं रहेगा, तेरे को इधर रहने का अधिकार नहीं है। देश को 95% मजदूर और किसान उसको पेट में लात मारते हुए, 10-12-50 पूंजीपतियों को तलवा चाटते हुए जो नीति तुम ले रहे हो, तुमको देश के 90% आम जनता रखेंगे नहीं। हमें 2 दिन का हड़ताल का मंच से यही ऐलान किया। अरे संघर्ष आपका मांग को लिए भी संघर्ष के एक हिस्सा है। और इसी दौरान आपने जो अपना सम्मेलन में निर्णय लिया, अभी प्रसाद दा ने आपको सामने बताया, कमरेड प्रसाद ने तैयारी रखी है। कमरेड एक बात आप समझिए, रेलवे आंदोलन का, रेलवे मजदूरों को संघर्ष में उतारने का प्रमुख इंजन आपका संगठन है। बहुत सारे जवान साथी है, भले उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा, ऐसा भी है, जब लास्ट हड़ताल हुआ था रेल में 74 में, 20 दिन का हड़ताल शुरुआत हुआ था 7 मई 1974 में,
उस समय भी ये लगातार हड़ताल में पूरा रेलवे के उतारने के पीछे 74 का पहले 3-4 साल लोको रनिंग स्टाफ का आंदोलन का एक प्रमुख भूमिका था। आज इसके धर साहब कॉमरेड हमारे पास नहीं, जिंदा नहीं है, लेकिन हम उस समय देखा था, उस समय हम भी ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक छोटा कार्यकर्ता था, हम देखा था कैसे 72, 73, 74 लगातार लोको रनिंग स्टाफ के खास करके वर्किंग आवर का मुद्दे पर देशभर आंदोलन के वातावरण के प्रक्रिया में मजबूर हुआ था पूरा रेलवे लगातार हड़ताल में उतारने के लिए 1974 से। आप ही मंजू इंजिन है और आगे भी आपको मंजिल होना चाहिए, ना केवल खुद पूरा रेलवे को हड़ताली संघर्ष में उतारने का, पूरा सब मजदूरों को, पूरा आंदोलन को हड़ताली संघर्ष में उतारने का काम। और ये काम आप शुरू कर दिया, आपका जोधपुर सम्मेलन में मीटिंग करते हुए, निर्णय लेते हुए तैयारी रखिए। अपने क्या भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया? कॉमरेड कॉमरेड शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, अच्छा कॉमरेड आप हमारी बात मानोगे, आप हमारी बात मानोगे, आप है कॉमरेड, कॉमरेड आप चुपचाप रहो, आप हमारी बात नहीं मानोगे मैं आपके सामने रिजाइन करके चला जाऊंगा। आप ठीक कर लो कि आप क्या चाहते हो, प्लीज आप एकदम ठीक रहो, अरे एकदम मुंह बंद करो, आ जाइए कांग्रेस, अगर आप चुप नहीं रहोगे मैं यहीं रिजाइन करके चला जाऊंगा, आप हमारी बात मानो, प्लीज प्लीज। कांग्रेस प्रसाद साहब की इज्जत का सवाल है, कॉमरेड रविंद्र प्रसाद के प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, हमने उनको आमंत्रित किया, आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। साथियों अगर आप लोग शांत हो जाइए, ये कॉमरेड प्रसाद जी की अनुरोध है, अगर आप नहीं बैठेंगे तो रिजाइन लेकर चले जाएंगे यहाँ से, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। लड़ाई में जाना होगा, हमको लंबा लड़ाई में जाना होगा, ऐसा मत करो, बैठो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कॉमरेड, आपका मांग लेके कई दफे गया था, कॉमरेड प्रसाद ने बताया, रेलवे मिनिस्टर से मिला, रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मिला, मैं खुद ही 3-4 दफे मिला आपका प्रतिनिधि मंडल के साथ। आखिरी मीटिंग में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बोला, खास करके जो पेंशन के जो पैरिटी वाला मुद्दा है, आम रेलवे मजदूर को एक टाइम का पेंशन, लोको रनिंग सबको कम फैसिलिटी पेंशन में, ये पैरिटी गलत है, ये हम देख रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं निकला और निकालने वाला भी नहीं है ये राज के, ये सरकार के राज में, एक क्लियर समझ लीजिए। तो परिस्थिति है, इसको देखते हुए कदम उठाया, तैयारी जारी रखना है हड़ताल को और आगे पूरा रेलवे को लेके हड़ताल में उतारना है, ये आपको मंजिल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हम CIT का तरफ से इतना बोल सकते हैं, कॉमरेड चुप रहिए, हम CIT का तरफ से इतना बोल सकता है, CIT के हर साथी, हर यूनियन आपको पास कंधे के कंधा मिला के
जो दिन से आपको संघर्ष शुरू होगा आपको साथ रहेंगे। रेलवे मजदूरों को जब आगे पहले लगातार हड़ताल हुआ था, एक चीज भी आप नोट करके रखिए प्लीज, रेलवे को जो पहला वाला हड़ताल हुआ था 74 में, उस समय जितने संख्या में रेलवे मजदूर गिरफ्तार हुआ था करीब करीब एक ही संख्या आम जनवादी आंदोलन के मजदूर, दूसरे सेक्टर का ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता, स्टूडेंट, यूथ, ये लोग भी गिरफ्तार हुआ था आपको संघर्ष के साथ कदम मिला के संघर्ष करने के लिए। एक पुराना इतिहास है, वही इतिहास दोहराने वाला है आपको आने वाला दिन में। पूरा देश आपको साथ रहेंगे। हड़ताल करना का अधिकार मजदूरों को अधिकार है, वही अधिकार को प्रयोग करने से जो कतराते हैं वो मजदूरों को लीडरशिप देने के कायब नहीं है। और इसी दिशा में 8-9-2 दिन का हड़ताल हुआ जनवरी में, और आगे भी हड़ताल के तैयारी हम कर रहा है, आप भी तैयारी जारी रखो। मीन टाइम बीच में आउट एक नौटंकी आ गया था, अब ये सरकार के जमाना खत्म हो रहा था, चुनाव डिक्लेयर करने वाला है, आपको एक बदतमीज प्रशासन के मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। जो आवाज देश के मजदूर आंदोलन उठाया दो दिन के हड़ताल करते हुए, जो तुमको वापस नहीं आना है, वो आवाज आपको भी बुलंद करना होगा अगला हड़ताल के तैयारी के चरण में। आपका हड़ताल के तैयारी का चरण में वो आवाज आपको हर जोन में, हर मोहल्ला में बुलंद करना होगा, तुमको वापस नहीं आना है, तुमको वापस नहीं आना है, ये आवाज बुलंद करना होगा। उसी का तैयारी कीजिए, अपने जो तैयारी को बुलंद रखिए। ये माना नहीं जा सकता है जो रेलवे को लर्निंग अलाउंस नहीं देंगे ढंग से, ये माना नहीं जा सकता है जो रेलवे को, जो चलाने वाले मजदूरों को पेंशन पैरिटी का अधिकार नहीं मिलेंगे, ये माना नहीं जा सकता। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, इज्जत के मामला है। हम रेलवे को चालू रखता है और हमको कम दे रहे हो, ये इज्जत के मामला है, डिग्निटी का मामला है। मजदूर वर्ग के पास पैसे से साथ साथ डिग्निटी वाला मामला भी बहुत प्रखर है। तो ये बात को लेके आप तैयारी जारी रखिए, और तैयारी का पहला चरण होगा जो पिछले 4 साल बदतमीजी में उतार के आया है मजदूरों को, मांग ना मांगते हुए रेलवे मजदूरों को, उसको पहले शिकस्त देने का है, जो तू वापस जा। और आगे जो आएगा, जो भी आए, वो अगर ये वापसी से शिक्षा नहीं लेते हैं, उसको भी नानी याद दिलाना है हड़ताल के चलते। ये तैयारी कीजिए, काहे हमारे संघर्ष नीति के खिलाफ है। पूंजीवादी जो नीति, वही रेलवे मजदूरों को इस पीड़ा में उतार दिया है। अरे नीति को आगे लेके जो भी चलेगा उसको भी नानी याद दिलाने के काम देश के मजदूर आंदोलन को करना होगा। और यही दिशा में देश के पूरा मजदूर आंदोलन एक मंच में आ गया अपने झंडा के रंग भूलते हुए। और अंत में एक बात, आज तक पिछले 5 साल के पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग उठा के कोई भी देख ले, कोई भी देख ले,
संसद के अंदर आपका बात करने वाला सिर्फ लाल झंडा वाले ही था। हम भी अप्रैल महीने तक संसद का सदस्य था। हम पूरा पिछला 5 साल का हिसाब किताब आपको दे सकता है और वो मिलता है पब्लिक डोमेन में, वेबसाइट में मिलता है। आपका बात उठाने वाला, मजदूरों को बात उठाने वाला संसद के अंदर लाल झंडा वाली है, भरोसा रखिए। हम लोग लड़के अपने मंजिल जरूर चूमेंगे, तैयारी रखिए। बदतमीजों को समझाने का एक ही तरीका है, उसको तमीज को बदतमीजी तरीके में सही ठिकाना में ले आना, वही एक रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। और ये मान के चलिए, आज का संघर्ष में आप अकेला नहीं है। मजदूर सड़क पे उतर गया, सारे देश का मजदूर, 20 करोड़ मजदूर 8-9-2 दिन हड़ताल किया, आपको सहयोग में किया, आप भी प्रदर्शन किया उस समय सारे देश में हर जोन में। और अभी किसानों ने भी सड़क पे आ गया, आपको साथ साथ मंच बना हुआ है। सारे छात्राओं नौजवान ने भी अभी इधर ही अपने रैली करना है, आपके बाद सारे देश में आ गया से बदतमीजी को वापस भेजने के लिए। वो तैयारी में भी शामिल हो जाइए, हड़ताल के तैयारी जिंदा रखिए, कीप योर पाउडर्स ड्राई। आज देश के ये खतरा में कई रेलवे को निजीकरण के बाद जो करता है वो देश के विरोधी है, सिर्फ मजदूर के विरोधी नहीं है। हमारे रक्षा सौदा उत्पादन के जो निजीकरण के ओर धकेल रहे हैं वो देश को विरोधी है, सिर्फ मजदूरों को विरोधी नहीं है। और आम ट्रेड यूनियन मिलके ही ऐलान किया, पिछले 2 दिन का हड़ताल भी यही स्लोगन पर किया, जो मजदूर विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी नीति के खिलाफ हमारे संघर्ष है। आपका हड़ताल भी वही देश विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष है, देश को बचाने के लिए संघर्ष है। तैयारी रखिए, हम दोबारा अंत में बोलेंगे आपको हर संघर्ष का, हर चरण में CITU और बाकी ट्रेड यूनियन आपको साथ रहेंगे, कंधे में कंधा मिलाकर हर चरण में। हम जीतेंगे जरूर, हम जीतेंगे जरूर। और यही जीतने का तैयारी में आज के देश के सबसे बड़ा दुश्मन को शिकस्त दीजिए, अगला दिन में यही आपको काम होना चाहिए। ये बोलते हुए आपको दोबारा लाल सलाम देते हुए, बधाई देते हुए और दोबारा ऐलान करते हुए, हड़ताल की तैयारी रखिए, हड़ताल होते रहेगा और हम आपको साथ में रहेंगे, हमारे सारे मजदूर आपको साथ में रहेंगे, आपको हर संघर्ष में हर चरण पर। इनकलाब जिंदाबाद, AILRSA जिंदाबाद, कॉमरेड हेमंत प्रसाद जिंदाबाद।